मथुरा थाना इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में 5 साल के मासूम बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मासूम बच्चा दोपहर 12 बजे से घर से गायब था। परिजनों की तलाश के बाद इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट में बच्चे का शव मिला। शव मिलने के बाद परिजनों ने काफी समय तक हंगामा किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिजनों को जल्द घटना के खुलासे का आश्वासन दिया। थाना हाईवे इलाके के शंकरपुरी से 5 साल के मासूम कृष्णा पुत्र जयप्रकाश घर के बाहर खेलता हुआ अचानक गायब हो गया। परिजन मासूम बच्चे की तलाश में लग गए और बच्चे के गायब होने की खबर पुलिस को दी, लेकिन थाना हाईवे पुलिस ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों और स्थानीय लोगों की तलाश के बाद मासूम बच्चे का शव इंडस्ट्रियल एरिया के एक खाली प्लॉट में मिला, जिसके बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। मासूम बच्चे के शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी हो। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से नमूने लिए। परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे और घटना को पुलिस द्वारा गंभीरता से लेने की बात को बार बार दोहरा रहे थे। परिजन इंडस्ट्रियल एरिया में ही मासूम बच्चे के शव को रखकर हंगामा करने लगे। हंगामा को देखकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। आला अधिकारियों द्वारा बच्चे के परिजनों को मदद और घटना के खुलासे का आश्वासन देने के बाद स्थानीय लोगों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद SSP शलभ माथुर भी मौके पर पहुंच गए और घटना का जायजा लिया। SSP शलम माथुर ने पोस्टमार्टम के बाद मासूम बच्चे की हत्या का जल्द खुलासा करने का दावा किया और परिजनों को मदद का भरोसा दिया। धर्मेंद्र, क्या घटना हुई है आज? मेरा नाम योगेश है। योगेश, 12 बजे करीब बच्चा खो गया था, तो इन लोगों ने सुबह मतलब पुलिस के पास फोन किया, पुलिस आई 100 नंबर, तो ये फिर उन्होंने कहा कि थाने चले जाओ, वहाँ पर कार्रवाई हुई। तो ये लोग थाने गए, तो जब तक कॉलोनी वाले बच्चे को ढूंढने आए यहाँ पे, तो एक किसी लेडीज ने वहाँ पे खबर दी थी कि बच्चा वहाँ मिल गया है, कि वहाँ पढ़ा है किसी का बच्चा, देख क्या वो तुम्हारा ही है क्या? तो यहाँ देखने आए कॉलोनी वाले, तो वही बच्चा निकला जो खुला था। तो यहाँ तक 2 बजे करीब 2:30 बजे करीब वो बच्चा मिला था। फिर उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर पर, तो कम से कम आधा घंटा लगा पुलिस को आने में। यहाँ तो जो बच्चे का शव मिला था, तो कैसे लग रहा था, क्या था? ऐसा लग रहा था गला दबा के उसे मारा गया, उसके दीवार के अंदर मारा था उसको, और गला दबा के उसे मारा था, उसके नाक से मारा। कैसे, किन लोगों ने मारा हुआ, क्या? दो लोग बता रही है वो लेडीज, मतलब दो लोग बता रही है, काले काले लोग थे, मैं थैला लटका हुआ था, मतलब कबाड़ा बीनने वाले लग रहे हैं वो, इसलिए लेने गई थी उन आदमियों को बुलाने के लिए, तब तक वो मार के भाग गए। क्या घटना हुई थी? अच्छा, कितने साल का बच्चा है? क्या नाम है बच्चे का? कृष्णा नाम है उसका। तो कब से गायब था घर से? 11 बजे। ओके, कितने बजे मिला है तुम्हें? पुलिस आ गई थी समय से, पुलिस बहुत देर में आई थी। पुलिस ना कह रही थाने जाओ, तो ये लोग फिर थाने चले। पुलिस के पास बच्चा मिल गया यहाँ पे, कड़ू पुलिस के पास हमने फोन। छोटे बच्चे की, जिसकी उम्र करीबन 5 से 6 वर्ष के बीच में, थाना हाईवे की घटना है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पोस्टमार्टम पैनल के से कराया जाएगा, और अभी किसी का नाम इस घटना में नहीं आया है। घटना का ठीक निर्वाण किया जाएगा कि मृत्यु कैसे हुई।